पुट आउट योर ईवीएस बुक लेसन नंबर 7 ए होम फॉर एवरीवन। हम सब घर में रहते हैं ना, तो घर हमें क्यों चाहिए होता है, कितनी तरह के घर होते हैं, वो सब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। वी ऑल लिव इन हाउसेज विद आवर फैमिलीज। हम सब घर में रहते हैं ना, और किसके साथ रहते हैं, अपनी अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। हम अकेले तो नहीं रहते ना, अपनी पूरी फैमिली के साथ हम घर में रहते हैं। द हाउस इन विच वी लिव विद आवर फैमिली इज आवर होम। जब हम घर में फैमिली के साथ रहते हैं तो वो होम होता है। जब खाली घर बना होता है, उसमें कोई रहता नहीं है, तो उसे हम हाउस कहते हैं। जब उस हाउस में हम रहने लग जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो वो होम बन जाता है। हाउसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनिमल्स एंड थीव्स। हाउस हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं, एनिमल्स से एंड थीव्स, चोरों से, ठीक है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड रेन एंड डस्ट। और किससे बचाते हैं वो हमें, हीट गर्मी, कोल्ड सर्दी, रेन बारिश एंड डस्ट धूल मिट्टी। एक तो घर हमें एनिमल्स और थीव्स से बचाते हैं, और सर्दी गर्मी बारिश और धूल मिट्टी से। टाइप्स ऑफ हाउसेस। कितने तरह के घर होते हैं, हाउसेस आर ऑफ टू टाइप। दो तरह के घर होते हैं, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। अर्ली मैन लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स। जब बहुत पहले घर नहीं होते थे, तब लोग किस पे रहते थे, या तो पेड़ के ऊपर रहते थे या फिर गुफाओं में रहते थे। फिर धीरे धीरे लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिया और घर के अंदर रहने लगे। कच्चा हाउस क्या होता है, कच्चा हाउस ऐसा होता है। कच्चा हाउसेज आर मेड अप ऑफ मड स्ट्रॉ बैम्बू एंड लीव्स। जो कच्चा हाउस होते हैं वो किससे बने होते हैं, मड मिट्टी, स्ट्रॉ बैम्बू, बैम्बू ये होते हैं, ठीक है ना, एंड लीव्स। दे आर कॉल्ड हट ऑल्सो हट्स। कच्चा हाउस को हम हट्स भी कहते हैं। देखो ये हट ही बनी हुई है ना। अब पक्का हाउस क्या होते हैं, दिस इज़ अ पक्का हाउस। पक्का हाउस ये होते हैं जिनमें हम लोग रहते हैं। ये जो कच्चा हाउस होते हैं मोस्टली गांवों में मिलते हैं, शहरों में देखने को नहीं मिलते। शहरों में पक्का हाउस होते हैं। बंगलोज एंड फ्लैट्स आर पक्का हाउसेज। जो बंगले होते हैं, आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, बहुत बड़े बड़े घर होते हैं जिन्हें बंगले कहते हैं वो, और फ्लैट्स किसके अंडर आते हैं, ये पक्का हाउस। दे आर मेड अप ऑफ आयरन रॉड्स ब्रिक्स सीमेंट एंड वुड। ये जो पक्का हाउस होते हैं किसके बने होते हैं, आयरन रॉड्स मीन लोहे की रॉड, इस टाइप की, ब्रिक्स ईंटे, सीमेंट और वुड। हमारे घर में एक ही रूम नहीं होता ना, अलग अलग कामों के लिए हमारे पास अलग अलग रूम्स होते हैं, तो उन रूम्स को क्या कहते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। रूम्स इन ए हाउस। देयर आर मैनी रूम्स इन ए हाउस, ईच रूम हैज़ अ डिफरेंट यूज। हमारे घर में बहुत सारे रूम्स होते हैं जो हम अलग अलग कामों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज़ अ ड्राइंग रूम। ये ड्राइंग रूम है जहाँ पर हमारा सोफ़ा रखा होता है, जहाँ पर हमने गेस्ट को बिठाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग रूम। इट इज़ यूज्ड टू मीट द गेस्ट। इसमें हम गेस्ट को बिठाते हैं और उनके बातें करने के लिए उनसे मिलते हैं, तो हम इसी वाले रूम में मिलते हैं। दिस इज़ अ बेडरूम। जिस रूम में हमारा बेड होता है उसे हम क्या कहते हैं, बेडरूम, जिसमें हम सोते हैं, ठीक है ना। इट इज़ यूज टू टेक रेस्ट एंड स्लीप। जब हमें सोना होता है या रेस्ट करना होता है तो हम किस में करते हैं, बेडरूम में। दैट इज़ अ किचन। किचन तो आप सबको पता है ही, जहाँ पर मम्मी खाना बनाती हैं। फूड इज़ कुक्ड हेयर, यहाँ पर खाना बनाया जाता है। दिस इज़ द डाइनिंग रूम। ये डाइनिंग रूम है जहाँ पर डाइनिंग टेबल होता है। ये बहुत कम घरों में होता है डाइनिंग रूम, तो डाइनिंग रूम में क्या होता है, डाइनिंग टेबल रखा होता है जिस पर बैठ कर सब खाना खाते हैं। वी ईट फूड हेयर, यहाँ पर हम खाना खाते हैं। दिस इज़ अ बाथरूम। बाथरूम भी सबके घरों में होता है, जहाँ पर हम नहाते हैं, फ्रेश होते हैं। वी रिफ्रेश एंड टेक बाथ हेयर, यहाँ पर हम नहाते हैं और फ्रेश होते हैं। दिस इज़ अ स्टोर रूम। ये स्टोर रूम, स्टोर रूम भी मोस्टली घरों में होता है, जहाँ पर हम अपनी यूजलेस चीज़ें या फिर एक्स्ट्रा की जो चीज़ें होती हैं, जो कभी कभी यूज़ होने वाली होती हैं, वो हम स्टोर रूम में रखते हैं। वी स्टोर थिंग्स इन इट, यहाँ पर हम चीज़ें स्टोर करते हैं। दिस इज़ अ स्टडी रूम, यहाँ पर ये स्टडी रूम है। स्टडी रूम क्या होता है, जिसमें हम बैठकर स्टडी करते हैं। वी स्टडी इन दिस रूम, हम इस रूम में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। बिगर हाउसेज में ऑल्सो हैव अ कार गैरेज एंड अ सेपरेट रूम फॉर सर्वेंट्स।
जो बहुत बड़े बड़े घर होते हैं वहाँ पर कार रखने के लिए भी एक रूम होता है जिसे हम कार गैरेज कहते हैं, और जो सर्वेंट्स होते हैं जो वहीं रहते हैं उनके लिए भी एक अलग से रूम होता है। ये हम लोगों के घरों में कम पाए जाते हैं। ये आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, जो तो बहुत बड़े बड़े बंगले होते हैं, बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, वहाँ पर होते हैं कि कार रखने के लिए एक अलग से रूम होता है, और वहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट्स भी होते हैं जो वहीं रहते हैं, तो उनके लिए भी एक अलग से रूम होता है। एक गुड हाउस, गुड हाउस कैसा होना चाहिए? घर तो सभी होते हैं, लेकिन अच्छे हाउस की पहचान क्या है, मीन्स अच्छे हाउस हम किसे कहते हैं, या अच्छा हाउस गुड हाउस बनाने के लिए उसमें क्या कंपलसरी है? ए हाउस मे बी बिग और स्मॉल, घर छोटा या बड़ा हो सकता है। ये नहीं है कि छोटा घर है तो गुड नहीं है, बड़ा है तो वो गुड है, ऐसा नहीं है। ए गुड हाउस इज द वन विच इज़ नीट एंड टाइडी। गुड हाउस कौन सा होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर हमारा घर बहुत बड़ा है लेकिन गंदा है, साफ़ सुथरा नहीं है, तो वो भी गुड हाउस नहीं होगा। अगर स्मॉल हाउस है हमारा, एकदम साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है, तो वो गुड हाउस में आएगा। ए हाउस मस्ट हैव सम विंडोज़, हमारे घर में मतलब जो गुड हाउस होता है उसमें विंडोज़ होनी चाहिए। बड़ा है लेकिन जो विंडोज़ नहीं है तो वो गुड हाउस नहीं होगा। विंडो क्यों चाहिए हमें विंडो? विंडोज़ अलाउ सनलाइट एंड एयर टू कम इन, क्योंकि विंडो में से ही सनलाइट आती है, सूरज की रोशनी और हवा अंदर आती है। अगर विंडो नहीं होगी तो अंदर हवा रोशनी नहीं आएगी, तो जो हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जीने के लिए सनलाइट और हवा भी चाहिए होती है। एन एयरी हाउस इज़ अ गुड हाउस, एयरी हाउस जिसके अंदर अच्छे से हवा आती हो वो गुड हाउस होता है। ग्रोइंग प्लांट्स नियर और अराउंड द हाउस मेक्स द एयर फ्रेश, हमारे घर के आसपास पौधे पेड़ पौधे भी उगाने चाहिए, क्योंकि जब पेड़ पौधे उगते हैं बड़े होते हैं तो वो आप लोगों को पता है एयर को फ्रेश करते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। थैंक यू।